नमस्कार, मैं उनिशांत और आप देख रहे हैं दी लेलन टॉप। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद 18 जून को रक्षा मंत्रालय ने आर्मी के प्रोटेक्टिव गियर और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वालों से कॉन्टैक्ट किया, कहा कि लेह समेत फॉरवर्ड इलाकों में तुरंत इन चीजों को और मजबूत करें, इनकी सप्लाई बढ़ाएं। इधर चीन का बायकॉट करने की भी बात चल रही है। उधर आर्मी के प्रोटेक्टिव गियर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल चीन से मंगाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आर्मी के प्रोटेक्टिव गियर बनाने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास जो सामान मौजूद है उनमें से ज्यादातर चीन के कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कंपनी है जिसे 2017 में कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वो 186,000 बुलेट प्रूफ जैकेट डिलीवर करने की स्टेज में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SMPP प्राइवेट लिमिटेड के साथ 639 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करते हुए संसद में कहा था कि आर्मी के लिए जैकेट बनाने के लिए चीन से कच्चे माल के आयात पर कोई बैन नहीं है। अब इस आयात पर फिर से सोचने को कहा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के पूर्व प्रमुख VK सारस्वत ने इन आयातों को फिर से देखने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए VK सारस्वत ने कहा, एक साल पहले हमने क्रिटिकल चीजों जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए चीन के कच्चे माल का समर्थन नहीं किया था। यहाँ तक कि हमने आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली कंपनी से बात की थी कि वो आयात किए गए कच्चे माल की अपनी तरफ से जांच करें। अब मुझे लगता है कि ऐसे मेड इन चाइना आयातों को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। हमें रणनीतिक सेक्टर जैसे टेलीकॉम, प्रोटेक्टिव गियर, बुलेट प्रूफ जैकेट में चाइनीज कच्चे माल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रक्षा सचिव से भी आर्मी प्रोडक्ट्स में चीन का बायकॉट करने की मांग हो रही है। शनिवार को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhDCCI ने चीन के प्रोडक्ट्स छोड़ने के विषय पर रक्षा सचिव को एक पत्र भेजा। PhDCCI डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से बनाई गई समिति का हिस्सा था। इस पत्र में कहा गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए चीन से हाई परफॉर्मेंस पॉलीथाइलीन HPPE का आयात किया जाता है। पत्र में उन कदमों का जिक्र किया गया जो चीन के प्रोडक्ट से बचने के लिए टेलीकॉम मंत्रालय ने उठाए हैं। पत्र में कहा गया कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चीन के सामान पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारे सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न हो। क्या कहती हैं आर्मी का सामान बनाने वाली कंपनियां? आर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट का कॉन्ट्रैक्ट जिस SMPP प्राइवेट लिमिटेड के पास है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर SC कंसल का कहना है, हाँ हम चीन से आयात पर निर्भर हैं, लेकिन अब हम देश के मूड के हिसाब से चलेंगे। अगर जरूरत हुई तो हम आयात के ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढेंगे और ऐसा करने के लिए हमारे पास बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है। चीन पर इस निर्भरता की वजह से ही प्रोटेक्टिव गियर बनाने वाली इंडस्ट्री के लोग रक्षा मंत्रालय से निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। स्टार वायर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र गुप्ता ने कहा, हमारी फर्म प्रोटेक्टिव गियर बनाने के लिए चीन के सामान का इस्तेमाल करती है, लेकिन चीन से तनाव और जवानों के शहीद होने के बाद प्रोटेक्टिव गियर इंडस्ट्री को चीन से कच्चे माल के आयात पर स्पष्ट निर्देशों की जरूरत है। MKU के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज गुप्ता ने कहा कि उनकी फर्म या तो अमेरिका से कच्चा माल मंगाती है या यूरोप के देशों से, जिसकी वजह से दाम भी ज्यादा होते हैं। चीन का कच्चा माल दूसरी अंतर्राष्ट्रीय फर्म से 60-70% सस्ता होता है, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जहां प्रोटेक्टिव गियर की क्वालिटी बहुत जरूरी है ताकि फ्रंट लाइन पर जान न जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और LLN Top का ऐप डाउनलोड करना न भूलें। धन्यवाद।